बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से। मंत्री सारंग ने स्वर्गीय के एन प्रधान और स्वर्गीय शीतला सहाय को नमन किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज स्वर्गीय के एन प्रधान और स्वर्गीय शीतला सहाय को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने दोनों पुण्य आत्माओं का स्मरण कर कहा कि उन्होंने समाज सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया है। सारंग ने कहा कि स्वर्गीय प्रधान एक आजाद शत्रु के रूप में जाने जाते रहेंगे। उन्होंने स्वर्गीय सहाय के लिए कहा कि ग्वालियर का कैंसर अस्पताल उनके सेवा भाव का उदाहरण है। सारंग ने कहा कि दोनों का व्यक्तित्व और कृतित्व आत्मसात करने का संकल्प लिया है। बोल इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से नावेद अली की रिपोर्ट। भोपाल के सांसद के रूप में भोपाल का नाम रोशन किया। उनका पूरा व्यक्तित्व जन भावनाओं को लेकर जन सेवा का तो था ही, परंतु मुझे ये कहते हुए कहीं अतिशयोक्ति नहीं होती तो उनका व्यक्तित्व अजात शत्रु के रूप में भी था। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उन्होंने हर समय आम जन की सेवा में अपना जीवन लगाया। उनके सामने कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं था, उनके सामने भोपाल का आम जन उनका परिवार का सदस्य था। इसी तरह शीतला सहाय साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो थे ही, परंतु उन्होंने समाज सेवा में जो कार्य किया उसका जीता जागता उदाहरण ग्वालियर का वो कैंसर इंस्टीट्यूट है जिसने पूरे मध्य प्रदेश और देश के लोगों की सेवा की है। उन्होंने भी हर समय जन सेवा को ही अपना जिंदगी का मुख्य उद्देश्य रखा। ये संयोग है कि दोनों समझी थे, दोनों राजनेता थे, दोनों समाज सेवक थे, दोनों समझी थे और दोनों की पुण्यतिथि भी एक ही दिन आती है। आज हमने ऐसी दोनों पुण्य आत्माओं को स्मरण किया और ऐसे स्मरण के दिवस पर जो अपेक्षित है वो यही है कि ऐसी पुण्यात्माओं के व्यक्तित्व को, कृतित्व को हम भी धारण करने और उसको अपने में आत्मसात करने का संकल्प लें। दोनों पुण्यात्माओं ने ता जिंदगी समाज की सेवा की, इस देश की सेवा की। उनके विचार हम आत्मसात कर सकें ये भगवान हमें शक्ति दे। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दोनों पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि देता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान हमें इतनी शक्ति और सद्बुद्धि दे कि हम उनके बताए मार्ग पर चले। अपनी पुण्यतिथि के अवसर पर हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों राजनेताओं ने जिंदगी भर समाज की सेवा की, समाज के उत्थान के लिए और राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व लगाया। आज हम सब ने उन्हें श्रद्धांजलि तो दी और उसके साथ ही ये संकल्प भी लिया कि हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि समाज को एक रूप में पिरोने का जो उनका संकल्प था उसमें हम भी अपना सर्वस्व लगाएंगे।